अरे पंडित लोग गर्क कर रहा, सुनिएगा मैं हूँ पंडित जी, मैं बता भाई, बोलिए पंडित जी ने क्या कर दियो, अरे पंडित जी ने क्या कर दियो, बोले नहीं पंडित जी ने क्या कर दियो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, पंडित के लिए बोल रहा था, जवाहरलाल नेहरू कौन थे बोल के दिखा दे, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू तेल लेने आया, मैं कह रहा पंडितों ने बेड़ा गर्क करे, दोबारा बोल के दिखा दे, अब दिखा दे बोल के एक बार, चलो जाए आते, चलो जाए पिट के जाओगे नहीं पंडितों के लिए, बोल अगर ब्राह्मणों के बारे में वो आदमी बोल रहा है तो ब्राह्मण पहले तो उसे यही नहीं पता ब्राह्मण का मतलब क्या है, आदमी कर्म से ब्राह्मण बनता है, आदमी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, भारत में आज ऐसे लोग शूद्र हैं, ये शूद्रों की कैटेगरी में आते हैं, और जो लोग आज शूद्र से बिलोंग करते हैं अगर वो शिक्षा का काम कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण कहलाते हैं, समझ गए मैडम, तो यहाँ लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ लोगों को यही नहीं पता कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होते क्या हैं, एक माँ चारों काम करती है, मेरी माँ अगर है ना, अगर वो मुझे पढ़ा रही है तो वो ब्राह्मण हुई, अगर वो मेरे लिए मेरी रक्षा के लिए किसी से लड़ रही है तो वो क्षत्रिय कहलाई, अगर वो मेरे लिए मेरा पेट भरने के लिए बाहर जा रही है और कमा रही है तो वो वैश्य कहलाई, वैश्य मतलब व्यापारी, और अगर वो मेरे घर के घरेलू काम कर रही है, झाड़ू पोछा और बाकी सारे काम, खाने बनाने का जो भी काम है, जो मेरे घर के हैं, जो मेरे परिवार के हैं, अगर वो कर रही है तो वो शूद्र हुई, इसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, ये गीता में भी लिखा है, गीता में कोई जातिगत भेदभाव नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है, मनुस्मृति से लेके आप किसी भी हिंदू के धर्म ग्रंथ पढ़ोगे जो अंग्रेजों ने एडिट नहीं करे, अगर आप उनको पढ़ोगे और उसका सही विश्लेषण होगा संस्कृत से हिंदी में, क्योंकि लोगों ने कुछ धर्मगुरु अंग्रेजों के हाथों बिक गए थे, कुछ धर्मगुरु मुगलों के हाथों बिक गए थे, तो उन्होंने ये एडिटिंग किताबों के अंदर करी, जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी एक रामचरितमानस का प्रसंग का वर्णन किया था, जिसमें वो कह रहे थे कि शूद्र नायक होते हैं, भाई फोन आ रहा है पकड़ लिए, ठीक है, तो अब यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है मैम कि जब तक हिंदुओं में अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी नहीं होगी वो ये मैकॉले शिक्षा को छोड़ के अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ेगा, अभी देखा था आपने इसमें क्या हो रहा था आंदोलन में, जाट वाले आंदोलन में, पूरे हरियाणा में इन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया, इन्होंने अभी ये जो चल रहा था यूपी, पूरे यूपी के अंदर चल रहा था एक, उस पर विवाद चल रहा था ना, एक पृथ्वीराज चौहान पे, वो कह रहे पृथ्वीराज चौहान पे चल रहा था मैडम, मीर भोज का पहले चल रहा था भाई, मीर भोज का पहले चल रहा था, अब पृथ्वीराज चौहान का चल रहा था मैडम, कि वो कह रहे थे कि गुजर हैं, वो कह रहे थे वो क्षत्रिय है, तो मैडम आप एक बात बताओ, आप क्या भगत सिंह ने अपने नाम के आगे कभी जाट लगाया, लगाया सिख जट था ना मैडम, महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, मुझे उस बंदे से दिक्कत है जो इन महापुरुषों के नाम के आगे जाति लगा रहा है, और मेरे भाई जितने भी गुजर भाई हैं, जितने भी क्षत्रिय समाज से हैं, राजपूत भाई हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि कौन उनके महापुरुषों के नाम के आगे जाट का टैग लड़वा के उन्हें आपस में लड़वा रहा है, वो तो एक परिवार है मैडम, मैं मेरे घर में अगर छः भाई हैं, एक स्कूल में जा रहा है, एक लड़ाई लड़ रहा है मान लो फौज में है, एक पुलिस में है, एक वकील बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक समाज सेवा कर रहा है, एक क्षत्रिय धर्म निभा रहा है, एक ब्राह्मण का धर्म निभा रहा है, तो वो तो एक परिवार है ना मैडम, अगर इनको कोई आपस में तोड़ेगा तो हमें उसको पकड़ना ना जो हमें आपस में डिवाइड कर रहा है, या हम आपस में ही झगड़ने लग जाएं, आज सोशल मीडिया पे देख लो आप गुजर और राजपूतों की लड़ाई हो रही है, आप हरियाणा में देख लो पहलवानों के समर्थन में आधा हरियाणा पहलवानों के बृजभूषण जी के समर्थन में, क्योंकि वो राजपूत हैं, तो इन्होंने राजपूत वर्सेस जाट करवा दिया, यूपी में इन्होंने राजपूत वर्सेस गुजर करवा दिया, तो जो लोग ये करवा रहे हैं, जो लोग दोनों के बीच में बम डालने का काम कर रहे हैं उनको पकड़ो ना। अच्छा आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में, आने वाला इलेक्शन जो है 2024 में लोकसभा का, उसमें प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन होने वाला है आप किसको देखना चाहेंगे? मैडम अभी फिलहाल देखो, फिलहाल मोदी जी के सामने कोई नहीं है विपक्ष में मैडम, वो आदमी जो के सामने कोई नहीं, देखो कारण है उसके पीछे मैडम। अच्छा ये तो बोल रहे थे ये लोग कि मोदी जी क्यों हार गए कर्नाटक में, ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, वहाँ पे इनका ये पैंतरा चला नहीं इसलिए हार गए कर्नाटक में। हाँ तो इन्होंने किया ना, ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जिसने भी कहा तो इन्होंने किया था ये काम वहाँ पे, वहाँ हर जगह नहीं, वहाँ इन्होंने सेक्युलर पना अपनाया, वहाँ इन्होंने टीपू सुल्तान का मुद्दा गायब कर दिया, हिजाब का मुद्दा था इन्होंने वो गायब कर दिया, सारे जो मुद्दे थे जो हिंदू के जो मतलब देश के हित में थे वो इन्होंने गायब कर दिए वहाँ पे, इन्होंने खुद बोला कि हमारे उसमें है ही नहीं मुद्दा, इन्होंने 2-3 साल पहले कर्नाटक में टीपू सुल्तान का मुद्दा उठाया था, उसके बाद इलेक्शन के टाइम आते आते वो गायब हो गया। और रही बात इसकी कि प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो, तो मैडम हम उसको तो प्रधानमंत्री कभी नहीं देखेंगे जो विपक्ष में रहते हुए अमेरिका में जाके हमारे देश की बुराई कर रहा है। आप मेरे को एक बात बताओ, आपने आज तक कोई भी लीडर जो बाहर से आया है हमारे देश के अंदर, क्या आपने उसको अपने देश की बुराई करते देखा है अपने भारत में आके? कोई एक लीडर का नाम बता दो आप मेरे को,
जापान से आए, अमेरिका से आए, जॉय बिडेन आए, जब चाइना से जी जिनपिंग आए, उन्होंने कभी अपने देश की बुराई करी या कोई विपक्ष का नेता भी मान लो उनका? ये लोग तो बोल रहे हैं कि पहले भी जो है प्रधानमंत्री के पैर छुए जाते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पैर छुए जाते थे, बाहर के प्रधानमंत्री आते थे, प्रेसिडेंट आते थे। तो कौन कह रहे हैं? वीडियो दिखा दो। अभी जो आपसे बहस करके गए वहीं तो फिर मेरे पिताजी के पैर छुए जाते, मेरे पिताजी ने कोई अच्छे काम करे मान लो, अगर उनके पैर छुए जाते हैं तो जनता मेरे भी पैर छूने शुरू कर देगी। अमिताभ बच्चन के बेटा अभिषेक बच्चन अभी उतना ही अच्छा एक्टर है जितना अमिताभ बच्चन था। पारिवारिक व्यवस्था और रिलेशन से कोई मैटर नहीं करता, मैटर वो करता है कि आपने देश हित में क्या काम करें और आपको कितना ज्ञान है। और उनके भाषण बताते हैं, राहुल गांधी जी के भाषण बताते हैं कि वो कितना कितना अच्छा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में भारत के अंदर। मैडम लोकतंत्र खतरे में भारत के अंदर, आपको लग रहा है? सरेआम पीएम जिस देश के प्रधानमंत्री को लोग सरेआम गाली दे सकते हैं, सोशल मीडिया पे नाम ले लेके अब्यूज़ कर सकते हैं, वहाँ लोकतंत्र खतरे में है? अच्छा, एक ही चीज़ ये लोग जो है एजेंडा लेके चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र तो क्या लगता है, भारत तो एक सेक्युलर देश है, इसमें जो है हिंदू राष्ट्र बन सकता है या बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र से आप क्या समझते हो? हिंदू राष्ट्र से कि हिंदुओं का जो है ये देश बने, हिंदुओं का ही जो है हर चीज़ रहे, उसमें दूसरे धर्मों को उतना प्रायोरिटी ना दिया जाए जितना हिंदुओं को दिया जाए। नहीं, नहीं। देश तो सेक्युलर है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, ये गलत, ये गलत। जैसे पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वैसे ही भारत जो एक हिंदू राष्ट्र देश बनना चाहिए। ये गलत परिभाषा है मैडम। देखो आज अगर हम हरियाणा से आते हैं, आज हरियाणा के कलाकारों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हरियाणवी कलाकार बोला जाता है ना, बोला जाता है ना। पंजाब के कलाकारों को क्या कहा जाता है? पंजाबी कलाकार बोला जाता है ना। तो क्या मतलब क्या हो गया, मतलब वो पूरे देश का कलाकार नहीं है? आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना की बात कर रहे हो, तो ये परिभाषित है कि आप हिंद देश के नागरिक हैं। आप अगर बाहर जाओगे तो आपको आपकी पहचान हिंद से होगी कि आप हिंद प्रांत से बिलोंग, मिट्टी में बसती है मैडम। क्रांतिकारियों की भावना इस देश में हर क्रांतिकारी का सहयोग है। यहाँ अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अशफाक उल्ला खान की इज्जत नहीं करता, वो भगत सिंह की इज्जत नहीं करता। भगत सिंह सरदार थे, सिख थे, ठीक है, वो हिंद राष्ट्र के लिए, वो हिंद राष्ट्र के लिए लड़े थे। यहाँ क्या होता है मैडम, देखो आप अगर बरेली से बिलोंग करते हो मान लो तो आप बरेलवी हुए, आप अगर मेवात से बिलोंग करते हो तो आप मेव हुए, ठीक है। आप अगर यूपी के कानपुर, अगर आप किसी भी मतलब बिहार से हुए तो आपको बिहारी कह के संबोधित किया जाता है कि बिहारी है, ठीक है। हर देश की मतलब जो क्षेत्र है, क्षेत्र से जुड़ा होता है। तो यहाँ हिंदू राष्ट्र की मतलब ये है कि आप हर जहाँ जो भी नागरिक रहता है वो हिंद देश में भारतीय संस्कृति का पालन करे, जो हमारे क्रांतिकारियों ने करा था, जो राम प्रसाद बिस्मिल का सपना था, जो चंद्रशेखर आज़ाद का सपना था, जो क्रांतिकारी वीर अब्दुल हमीद का सपना था, जो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का सपना था। ये सपना हिंदू राष्ट्र का ये मतलब है कि यहाँ जो भी नागरिक है, जिस भी धर्म से है, जिस भी उससे है, जिस भी पंथ से है, वो सिर्फ हिंदू कह के अपने आप को संबोधित करे। ये सिर्फ ये नहीं है कि हमें ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल करने की भावना है उन लोगों को जिनको डिवाइड करना है, जिनको भारतीय संस्कृति से नफरत है। अच्छा, यहाँ संस्कृतियों की लड़ाई है मैडम। अच्छा, सरकार जो है यूसीसी लागू करने वाली है, तो होना चाहिए देश में? बिल्कुल होना चाहिए मैम। अच्छा लगेगा, यूसीसी लागू हो जाएगा, सबके लिए समान जो है लॉ एंड ऑर्डर होगा, वो चीज सही रहेगा। देश का विकास चाहते हो जिनके लिए, उनके लिए तो बढ़िया है, जो देश का विकास नहीं चाहते उनके लिए खराब है। आज से थोड़ी चल रही है, 1947 से चल रही है यूसीसी की बात, आप अगर देखोगे तो 1947 से चल रही है, लेकिन माइनॉरिटी अपीजमेंट की वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ।